Hello, my dear children. Welcome to your e-learning class. This is Mansi Bansal, your computer teacher. So, in computers, today we are going to start Chapter 8, that is using MS Word 2007. Let's get started. So, what is MS Word? Microsoft Word is a word processing software. Microsoft Word एक word processing software है. As we use a notebook to write words and sentences, similarly in a computer we use MS Word to type the text in a document. जैसे कि हम लोग अपनी daily life में कुछ भी note down करने के लिए notebooks को use करते हैं, वैसे ही हमारा computer कुछ भी typing करने के लिए, कुछ भी text लिखने के लिए Microsoft Word, MS Word को use कर सकता है. इसमें हम कुछ भी typing कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो हम लिखते हैं उसको text बोलते हैं. Okay? So, what can we do with MS Word? MS Word के साथ हम क्या-क्या कर सकते हैं? We can type and format the text. हम कुछ भी typing कर सकते हैं और उसको style कर सकते हैं, stylish तरीके से लिख सकते हैं. Now, we can edit text such as editing, deleting, copying and moving. हमने जो कुछ भी लिखा उसमें हम changes कर सकते हैं. We can add pictures, tables, shapes and charts in a document. हमने जो भी लिखा है उसमें हम pictures, shapes, charts ये सारी चीजें लगा सकते हैं. And we can save a document for future use. हम अपने future use के लिए अपने document को permanently save भी कर सकते हैं. Now let us see how to start Word 2007. Computer में MS Word कैसे start करते हैं? First of all, we have to click on the start button. Here we have to click on the all programs. Okay? Then we have to click on Microsoft Office. And then we have to select the Microsoft Word 2007. And you will see Microsoft Word window will open. So, this is the window of Microsoft Word, as you can see. So, we can see the various components of Microsoft Word window. So, first one component is title bar. What is the title bar? The title bar is placed at the top of Word 2007 window. It displays the document name followed by the program name. सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है blue color का bar, उसको हम बोलते हैं title bar. इसमें क्या होता है हमारे Microsoft Word का नेम और हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसका नेम हमें यहाँ पे डिस्प्ले होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज क्विक एक्सेस टूल बार. इट इज प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द वर्ड 2007 विंडो. इट कंटेन्स द सेव, अंडू एंड रीडू कमांड्स. सो हमारा जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार. इसके अंदर हमारे पास सेव बटन, अंडू बटन एंड रीडू बटन होते हैं. Okay, now the next component is ribbon. The ribbon contains several tabs on it, such as office button, home, insert, page layout, etc. So, ribbon के अंदर अलग-अलग tabs होते हैं, like home tab, insert tab, page layout tab, ये सब क्या है? Tab है जो कि ribbon contain करता है. And every tab contains different commands that are arranged into groups. हर टैब के अंदर कुछ कमांड्स होती हैं जो ग्रुप्स में अरेंज्ड होती हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज ऑफिस बटन. द ऑफिस बटन इज प्लेस्ड एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड 2007. हमारे वर्ड 2007 के बिल्कुल अपर लेफ्ट कॉर्नर में हम देख पाते हैं ये बटन, दिस इज ऑफिस बटन. वी कैन क्रिएट, ओपन, सेव एंड प्रिंट अ फाइल बाय सेलेक्टिंग द ऑफिस बटन. ऑफिस बटन को यूज़ करके हम अपनी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है, तो सारे एक्शंस, न्यू फाइल, ओपन, क्लोज, सेव, ये सारे ऑप्शंस ऑफिस बटन में होते हैं. नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज रूलर. द हॉरिजॉन्टल रूलर इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो. इट मेजर्स द विड्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट पेज. एज यू कैन सी हमारा ये सबसे ऊपर स्केल बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर. ये क्या करता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो विड्थ है, उसको मेजर करता है. एंड द सेकेंड वन इज वर्टिकल रूलर, विच मेजर्स द हाइट ऑफ द वर्क एरिया. इट इज़ लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो. और हम लोग जो साइड में देख रहे हैं स्केल, दैट इज़ द वर्टिकल रूलर, वो हमारे डॉक्यूमेंट की हाइट को मेजर करता है. ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट इज वर्किंग एरिया. दिस एरिया इज यूज फॉर टाइपिंग एंड एडिटिंग द टेस्ट. हम जो भी टाइपिंग कर रहे हैं, जो भी हम टेस्ट में चेंजेस करेंगे, वो सब अपना वर्किंग एरिया में करेंगे. सारा वर्क अपना हम कहाँ करेंगे, वर्किंग एरिया में. ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट इज स्टेटस बार. इट इज डिस्प्लेड एट द बॉटम ऑफ वर्ड 2007 विंडो.
Here you can see information about the current document like the number of pages, number of words, view buttons, zoom slider bar, etc. स्टेटस बार में हम क्या देखते हैं, अपने डॉक्यूमेंट का पूरा स्टेटस, उसमें कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं और जो व्यू बटन्स हैं, जूम करने के लिए जो बटन्स हैं, वो सारे हमारे स्टेटस बार में अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट इज स्क्रॉल बार. देयर आर टू स्क्रॉल बार्स इन वर्ड विंडो, द वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर से नीचे देखने के लिए, नीचे से ऊपर देखने के लिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट देखने के लिए हमारे पास टू स्क्रॉल बार होते हैं. द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मूव्स द स्क्रीन डिस्प्ले टुवर्ड्स द राइट और लेफ्ट. राइट और लेफ्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को यूज़ करेंगे. एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार इज यूज टू मूव योर डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन. अप एंड डाउन अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करना है तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्क्रॉलर बार को यूज करेंगे. द नेक्स्ट कंपोनेंट इज जूम स्लाइडर. इट इज प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेटस बार. स्टेटस बार के बिल्कुल राइट साइड में आपको जूम स्लाइडर बार दिखता है. यू कैन ड्रैग द जूम स्लाइडर टुवर्ड्स द राइट और लेफ्ट टू एनलार्ज और रिड्यूस द साइज ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट. इसको यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को जितना चाहें उतना जूम कर सकते हैं. अगर आप उसको राइट में लेके जाएंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इनलार्ज हो जाएगा, ज़्यादा जूम हो जाएगा. एंड इफ यू विल गो टू द लेफ्ट देन योर डॉक्यूमेंट विल गेट रिड्यूस्ड इन साइज. ओके, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होगा, आपको जूम आउट होके दिखेगा. ओके, सो चिल्ड्रन वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पार्ट्स, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड विंडो. नाउ लेट अस सी हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्लिक ऑन द ऑफिस बटन एंड वी हैव टू क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन. And then you will see new document dialog box will open. Here we have to click on the blank document option from the blank and recent section and click on create button. Okay, यहाँ हमने create किया तो हमारा ये new document open हो गया. Simply we have to click on the office button and then new and then blank option. इसको use करके हम क्या करते हैं, new document create कर सकते हैं. So children, this way we can create a new document. हम लोगों ने आज सीखा कि हम new document कैसे बना सकते हैं. And we have also discussed different components of word window. So half chapter is covered in this video. This much for today. Thank you. Bye-bye.